सपने में सांप काटना या सपने में खुद को सांप द्वारा काटते देखना स्वप्न शास्त्र के अनुसार एक बहुत ही कीमती सपना माना जाता है, जो कि जीवन में चल रही और जल्द ही घटित होने वाली बहुत सी बातों की ओर इशारा करता है। जैसे यदि आप सपने में सांप के द्वारा काटते हुए या डसते हुए देखते हैं, तो यह सपना आपको अपने आसपास मौजूद झूठे धोखेबाज लोगों से सावधान रहने की ओर तो संकेत करता ही है, साथ ही यह सपना आपको अपनी सेहत का भी कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने की ओर संकेत करता है। तभी आप खुद को हर तरह की परेशानियों से बचा सकते हैं। और यदि काला सांप आपको सपने में काट लेता है, तो यह सपना किसी विवाद में फंसने की ओर संकेत करता है, जिससे बचने के लिए आपको अपने गुस्से और ईगो को कंट्रोल करने की ही जरूरत है। तभी आप इस प्रकार के विवादों से खुद को बचा सकते हैं। और यदि आप सपने में सांप के काटने पर निकलते हुए खून को देखते हैं या सांप काटने के निशान को देखते हैं, तो यह सपना भी किसी नए काम को अभी कुछ समय के लिए टाल देने की ओर ही इशारा करता है, या आपको किसी काम को पूरा करने में किसी प्रकार की अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। और यदि आप सपने में किसी बहुत बड़े सांप को काटते हुए देखते हैं, तो यह सपना जीवन में किसी गलत फैसले या कार्य के होने की ओर इशारा करता है, जिससे बचने के लिए आपको बड़ा ही सोच समझकर कोई भी काम करने की जरूरत है। और यदि कोई छोटा सांप सपने में आपको काट लेता है, तो यह सपना किसी काम को पूरा करने में आने वाली छोटी अड़चनों की ओर ही इशारा करता है। लेकिन यदि कोई हरा सांप आपको सपने में काटता है, तो यह सपना आपकी सारी मुसीबतों के जल्द ही पूरी तरह से खत्म होने की ओर इशारा करता है। और यदि सपने में आपको सफेद सांप काट लेता है, तो यह सपना जीवन में मिलने वाली किसी बड़ी सफलता की ओर ही संकेत करता है। और यदि सपने में आपको पीला सांप काटता है, तो यह सपना आपको अपने आसपास के उन लोगों से सावधान हो जाने की जरूरत महसूस कराता है, जो आपका बस फायदा ही उठाना चाहते हैं, क्योंकि वे हकीकत में आपके दोस्त नहीं, दुश्मन हैं।